माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य समस्त वार्डवासी रविदास वार्ड सागर मध्य प्रदेश। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य रत्नेश जड़िया संभाग प्रभारी राष्ट्रीय गौ सेवा संघ सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक निजी प्राइवेट स्कूल की 10वीं क्लास की मॉनिटर छात्रा के साथ उसके क्लासमेट द्वारा क्लासरूम में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जब पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना के बारे में मां को बताया तब जाकर मामला उजागर हुआ, तो पीड़िता और उसकी मां ने पहले तो अपनी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की, मगर स्कूल प्रबंधन ने ठोस कदम नहीं उठाए। तब जाकर छात्रा ने पुलिस का सहारा लेते हुए नाबालिग छात्र पर FIR दर्ज करवाई। वहीं सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग छात्र पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी जैसी धारा 354 समेत अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल आखिर ये खड़ा होता है कि छात्राओं की जिम्मेदारी लेने वाले ऐसे हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर माँ बाप किसके भरोसे अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। जब मैं क्लास में मॉनिटरिंग कर रही थी, मैम ने मुझे मॉनिटरिंग करने के लिए कहा, तो वहाँ पे एक लड़का बैठा था जिससे मैंने 4 बार कहा कि तुम बात मत करो, उसने नहीं सुना। तो मैं वहाँ पे गई तो उसने मेरा यहाँ पे हाथ पकड़ा और मुझे चाटा दे दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गई। मैंने मैम से कहा, मैम ने कुछ नहीं सुना। फिर नीरज सर है, मैंने उनसे कहा, उनने भी कुछ नहीं सुना। फिर इसके बाद मैं प्रिंसिपल सर के पास गई, तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मंडे को बुला लेना। क्या? जी हाँ, जब मैं सीढ़ियों से जा रही थी तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे धमकी देने लगा और मुझे प्राइवेट पार्ट में टच करने लगा। जब हमारा बेटा जल्दी स्कूल आ जाता, जब हमारा बेटा स्कूल आया उसने हमें बताया ऐसा ऐसा हुआ, हमने टीचरों से बोला तो टीचरों ने बोला शिवम, उसने कहा कि कोई हमारी बहन के साथ इतनी बदतमीजी करे हम उसे छोड़ देंगे, उसको बुलाओ लड़के, कैसे हमारी बहन को मारा इस तरीके की हरकत की। तो उसे बोला, उसने प्राइवेट पार्ट टच किया उसका सीधा डायरेक्ट। हाँ, ये आज ये घटना हुई है जिसके द्वारा शिकायत की गई, एक आवेदन पत्र दिया गया है, आवेदन पत्र के ऊपर से माननीय TI साहब ने मुकदमा कायम किया है। ये उसके साथ 354 का मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। छतरपुर से हिमांशु अग्रवाल, सागर TV न्यूज। शिव पुराण कथा का भव्य आयोजन दिनांक 15 जुलाई से 23 जुलाई तक, समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, स्थान मंगल भवन ब्लॉक ग्राउंड जैसीनगर। जीरा बांध की स्वीकृति हेतु शिव पुराण कथा में सभी भक्तगण सादर आमंत्रित है। निवेदक पारुल साहू केशरी, विधायक सुर्खी। विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य ज्ञानचंद कुकरेजा, विधायक प्रतिनिधि सागर मध्य प्रदेश। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य अशोक अग्रवाल, एल्डरमैन नगर निगम सागर। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य पंडित प्रेमेंद्र गोलू रिछारिया। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य सरोज सतीश साहू, केशवगंज वार्ड सागर। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य अभिषेक अग्रवाल, भाजपा नेता सागर। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य धर्मेंद्र खटीक, पूर्व पार्षद भाजपा नेता संत कबीरदास वार्ड सागर। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु जीनत जावेद खान, पार्षद लाजपतपुरा वार्ड सागर। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य पंडित संजय दुबे, पार्षद शास्त्री वार्ड सागर। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य समस्त वार्डवासी रविदास वार्ड सागर मध्य प्रदेश। माननीय शैलेंद्र जैन विधायक जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य रत्नेश जड़िया, संभाग प्रभारी राष्ट्रीय गौ सेवा संघ सागर मध्य प्रदेश।